Hello students, this is a continuation video on operating question. In the last class, we have done till question number 7. Now let's read question number 8. The following information has been secured for the purpose of estimating for the year 2020 the full operating cost per trunk are applicable to the trucks operating for a service department of a telephone company. The 2019 actual cost were used to calculate the 2020 rate. That means देखिए हमें जो भी data given है वो हमें 2019 के हिसाब से हमें 2020 की cost जो वो ascertain करनी है. But इसमें ऐसे देखना यहाँ पर लिखा हुआ है the trucks operated for a service department. That means हमें I think मुझे लगता है शायद इसमें service department पे ज़्यादा focus करना हमें. चलिए फर्स्ट में पढ़ते समय कॉस्ट ऑफ रेंट इंश्योरेंस रेट्स पर्टेनिंग टू द गैरेज वाज 21,000 आउट ऑफ विच 1/3 वाज एलोकेटेड टू सर्विस डिपार्टमेंट. यस यानी कि हमें जो मेनली फोकस करना है दैट मींस वी नीड टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ओनली फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट. सो यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट गिवन है तो इसका 1/3 कर देंगे दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट. देन The trucks belonging to the service department represents 1/4 of the trucks handled by garage. Then, foreman of the garage was paid a salary of rupees 6,400. All his time was devoted to service department. देखिए जो foreman salary है वो कितनी होती है 6,400 और ये सारा का सारा जो है वो service department है. But यहाँ पर जो truck holding है वो कितना 1/4 है तो हमें 1/4 लेना पड़ेगा हमें तो. ठीक है. देन हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट ऑफ द गैराज रुपीज 3,000 ऑफ विच 1/3 वाज अलोकेटेड टू द सर्विस डिपार्टमेंट. तो 1/3 ले लेंगे. अदर रनिंग एक्सपेंसेस फ्लक्चुएटिंग विद द ट्रक्स ऑपरेटिंग आवर्स अमाउंटेड टू रुपीज 4,800 फॉर द 8 ट्रक्स इन दिस सर्विस डिपार्टमेंट. ठीक है. Then the truck operates 50 hours a week of 52 weeks each year. During the working hours, each of the truck is laid down for 100 hours per year for repairs. देखिए trucks mainly जो हैं वो 50 hours काम करते हैं and 52 weeks काम कर रहे हैं annually. Then during the working hours, each of the trucks is laid down for 100 hours. क्या मतलब हुआ? यानी कि वर्किंग आवर्स में जो ट्रक हैं वो पूरे साल में 100 आवर्स के लिए वो बंद हो जाते हैं. किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर. ठीक है. देन एंड मेंटेनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्राइक इन अगस्त द गैराज वाज क्लोज फॉर 2 वीक्स. और पूरे साल में 2 वीक जो है अगस्त में वो बंद रहा. क्यों? ड्यू टू स्ट्राइक. ये हमें क्यों दिया? ताकि हमें पता लगे कि टोटल एक्चुअली में काम कितने नंबर ऑफ आवर्स काम किया है. देन कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक वाज 4,000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 400. द लाइफ ऑफ द ट्रक हैज बीन एस्टिमेटेड एट 10,000 ऑपरेटिंग आवर्स. आप समझ ही हो कि ये लैंग्वेज क्यों लिखी हुई है. ये पॉइंट क्यों दिए हुए हैं? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. देन द एस्टिमेटेड रिपेयर्स ओवर द लाइफ ऑफ द ट्रक आर एक्सपेक्टेड अमाउंटेड रुपीज 2,000. रिपेयर की कॉस्ट 2,000 के बट गिवन है ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द ट्रक. तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन करना पड़ेगा. देन ड्राइवर्स विच इज पेड अमाउंटिंग रुपीज 20,000 फॉर द ईयर. कैलकुलेट द एप्लीकेबल रेट पर आर टू बी यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द फुल अमाउंट फॉर द 2,000 ट्रक्स ऑपरेटिंग इन द सर्विस डिपार्टमेंट. देखो बोल भी दिया पर उन्होंने कि हमें मेनली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है वो निकालना है फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट ओनली. तो देखिए करते हैं इसको. पहले हमें कॉस्ट ऑफ रेंट निकालना है. क्वेश्चन नंबर 8 है. कॉस्ट ऑफ रेंट इंश्योरेंस अमाउंट गिवन है आपको दैट इज 21,000 ऑफ विच 1/3 वाज एलोकेटेड टू सर्विस डिपार्टमेंट. तो 1/3 कर देंगे इसका. सेवन थाउजेंड
देन फोरमैन जो सैलरी है वो कितनी मिल रही है, 6,400, ठीक है, एंड वो सिर्फ सर्विस जवाब में काम कर रहे हैं। लेकिन बताओ ट्रक जो है वो कितने कितने बिलोंग कर रहे हैं, ओनली वन क्वार्टर, तो 1/4 ही करेंगे, तो लिखेंगे फोरमैन सैलरी देन हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट ऑफ द गैराज दैट इज 3,000, ऑफ विच 1/3 वाज एलोकेटेड टू सर्विस डिपार्टमेंट। सो हीटिंग एंड लाइटिंग, थ्री थाउजेंड, 1/3 विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 1,000। देन अदर रनिंग एक्सपेंसिस फ्लक्चुएटिंग विद द ट्रक ऑपरेटिंग आवर्स अमाउंटेड रुपीज 4,800। तो ये तो वही सेम वही आ जाएगा, अदर रनिंग एक्सपेंसिस टोटल है ये 4,000 फॉर 8 ट्रक्स, ईच नहीं लिखा तो टोटल ही लिखेंगे यहाँ पर। देन टोटल नंबर ऑफ आर्स निकालना है हमें। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए कॉस्ट की ट्रक कितनी है, एक ट्रक की दैट इज 4,000, इसके स्क्रैप के लिए कितने 4,000, लाइफ ऑफ द ट्रक कितनी दैट इज 10,000 ऑपरेटिंग आवर्स। पहले तो आई थिंक हमें ऑपरेटिंग आवर्स निकालने पड़ेंगे। यस पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। एक बार देखिए लैंग्वेज से करते हैं। एफ पॉइंट द ट्रक ऑपरेट्स 50 आवर्स अ वीक फॉर 52 वीक्स ईच ईयर। तो देखिए यहाँ पर आपका अगर आप देखोगे टोटल रनिंग आवर्स, कितना है दैट इज 50 आवर्स 52 वीक्स के लिए कितना आ जाएगा दैट इज 2,600 आवर्स, ठीक है। बट कुछ टाइम देखिए यहाँ पर जो ट्रक है वो नहीं चले, एक तो 100 आवर्स फॉर रिपेयर्स प्लस 2 वीक फॉर दी स्ट्राइक। देखिए याद होगा आपको हमने लास्ट चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग किया था, मैंने वहाँ पर बताया था कि देखिए जो नॉर्मल लॉस होता है वो तो चलिए कि हम हमको नॉर्मल लॉस का दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस, हमें एडवांस से पता होता है कि ये तो लॉस होना है होना है, ठीक है। तो उसका हम जो कॉस्ट का जो बर्डन है वो एक्चुअली हम कस्टमर पे डाल देते हैं, बट जो एबनॉर्मल लॉस होता है दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड लॉस दैट वुड बी बियर बाय ऑनर, उसको अपनी पॉकेट से देना ही पड़ता है। ऐसे यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे ट्रक्स जो रिपेयर है 100 आवर्स वो तो नॉर्मल है। देखिए जो ट्रक चलाएगा उसको पता होता है कि मेरे को इतने तो रिपेयर में खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए ट्रक बंद होंगे या मशीन भी बंद होगी, ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग आवर्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हम लेस करेंगे ही, तो यहाँ पर आप देखिए लेस करोगे रिपेयर आवर्स कितना 100 आवर्स लेस करोगे। देन स्ट्राइक, देखिए स्ट्राइक कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता, ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। तो जो स्ट्राइक के ड्यूरिंग द स्ट्राइक अगर जितने भी नंबर ऑफ वीक्स अगर खराब हुए हैं या फिर ट्रक बंद हुए हैं तो वो तो भी अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन दिस केस हम जो 2 वीक्स है उसको हम लेस नहीं करेंगे। सो इन दिस केस जो आपकी ऑपरेटिंग आवर्स होगी वो कितनी होगी एक्चुअल में 2,500 आवर्स। तो अब हमारा जो बेस है क्वेश्चन का वो हमारा चलेगा 2,500 के आज के बेसिस पे। सो हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, डेप्रिसिएशन देखिए क्या बोला था अभी, हमें मैंने अभी बताया था आपको
उसकी कॉस्ट कितनी है 4000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 400, पर एस्टिमेट लाइफ कितनी है उसकी, दैट इज 10000, ये 10000 है ठीक है, बट हमें कितने का लेनी है एनुअली के बेसिस पे ठीक है, और उसके जो आपके ऑपरेटिंग आवर्स एनुअली कितने हैं दैट इज 2500। अच्छा ये तो 8 ट्रक का है, हमें निकालना है 8 ट्रक के, सो मल्टीप्लाई 8 विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 4000। देन हमारा एफ पार्ट हो गया है रिपेयर, देखिए रिपेयर के अलावा है दैट इज रिपेयर ओवर द लाइफ, यहाँ पर देखिए 2000 गिवन है, कितना गिवन देखिए 2000 ओवर द लाइफ दैट इज डिवाइड बाय 10000, बट आपको एनुअल निकालना है ओनली फॉर द 2500 बेसिस के बेसिस पे। सो अच्छा ये आपको यहाँ लिखा होगा ओवर द लाइफ ऑफ अ ट्रक, एक ट्रक की गिवन आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 8 भी करोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा दैट इज सॉरी ये आपका आएगा 7500, ये आएगा 4000 सॉरी। देन आपका ये पॉइंट हो गया ड्राइवर वेजेस पे कर रहे 20000 फॉर द ईयर, तो ये तो वही आ जाएगा दैट इज ड्राइवर सैलरी। आई थिंक हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। यस बस ये आपका आएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, विच इज अमाउंटिंग रुपीज 45600। हमें निकालना है कैलकुलेट द एप्लीकेबल रेट पर आवर टू बी यूज टू रिफ्लेक्ट द फुल ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर आवर के बेसिस में निकालना है तो बस। ट्रक्स अच्छा हमें तो 8 ट्रक के बेसिस में निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं इसको, कॉस्ट पर ट्रक रनिंग किलोमीटर जो वैल्यू आएगी देखिए कितनी आ रही ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज 45600, डिवाइड बाय कैसे करोगे से आप टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स कहते हैं आपकी 2500, 2500 बट ये 8 ट्रक का गिवन आपको, 2500 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे इसको आप, विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 2.28। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। Moving to next question number 9. From the following data relating to two different vehicles A and B. अच्छा ये जो हमने भी question number 6 किया था I think. Yes. वही similar question है but digit change है. So this question is for homework. चलिए अब हम पढ़ते हैं question number 10. A practicing chartered accountant now spends ₹9 per kilometer on taxi for his client's work. He is considering two other alternatives, the purchase of a new small car or an old big car. Okay, and the estimated cost figures are purchase price of new car that is 3,50,000, old bigger car 2 lakh, sale price after 5 years 190 for new car, 124 old bigger car, repair and servicing per annum 10,000 for
न्यू कार 12,000 फॉर ओल्ड कार, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर एनम 17,000 एंड 7,000, पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर 100 किलोमीटर फॉर न्यू कार 70 किलोमीटर फॉर ओल्ड व्हील, देन पेट्रोल प्राइस पर लीटर, पेट्रोल प्राइस पर लीटर 35 फॉर न्यू कार एंड 35 फॉर ओल्ड कार। ठीक है, पेट्रोल तो देखिए वैसे काफ़ी महंगा हो रहा है, तो ये क्वेश्चन देखिए तो मैं समझना कि सर ये तो पेट्रोल का प्राइस बड़ा सस्ता है, तो सिर्फ एक एग्जांपल है। ही एस्टिमेट्स दैट ही डज 1 लाख किलोमीटर एनुअली, विच ऑफ दीज थ्री अल्टरनेटिव्स विल बी चीपर इफ ही स्पेंड्स, इफ ही प्रैक्टिस एक्सपेंस एंड ही हैज़ टू डू 190 किलोमीटर पर एनम, व्हाट शुड बी हिज रीजन। पहले तो पूछ रहे हैं कि 1 लाख किलोमीटर अगर वो एनुअली अगर वो ट्रेवल करता है एनुअली, तो तीन में से कौन सा ऑल्टरनेट बेस्ट, कौन से तीन, या तो पहले वाला ही कि वो जो टैक्सी ले और 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो आराम से करें, या तो नई गाड़ी ले उसके हिसाब से जो भी कॉस्ट आएगी फिर कंपेयर करेंगे, और फिर ओल्ड का भी तीनों कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे 1 लाख पे यानी कि बेस क्या होगा, दैट इज़ 1 लाख किलोमीटर का, फिर जो भी चीपर होगा वो उसको हम आउट करेंगे। अगर बोल रहे हैं कि अगर उसका प्रैक्टिस एक्सपेंड होगी और उसने मान लीजिए एनुअली वो इतना ट्रैवल करे, तब उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्टिमल डिसीजन क्या होगा। देन पूछ रहे हैं कि एट हाउ मैनी किलोमीटर्स पर आवर विल द कॉस्ट ऑफ टू कार्स ब्रेक इवन, यानी कि कितने किलोमीटर पे अगर वो कितने किलोमीटर पर ट्रैवल करे, जिसमें चाहे वो न्यू कार ले चाहे वो ओल्ड कार ले, तो उसकी कॉस्ट इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तीनों केस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तीनों केस का मान लेते हैं, हायर ऑफ टैक्सी, न्यू स्मॉल कार एंड ओल्ड बिगर कार। तीनों केस को मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो भी पता चलेगा हमें। तो चलिए अब एक एक करके हम सब कॉस्ट लिखते हैं, क्या क्या कौन सी कॉस्ट हो रही है। तो पहले तो बोला है कि हायर पे देखिए कितने 9 किलोमीटर पर आ रहा है, 9 किलोमीटर पर 9 रुपये लग रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना का टोटल हायर चार्जेस, टोटल हायर चार्जेस कितने होंगे, दैट इज़ 9 रुपीज़ फॉर 1 लाख किलोमीटर, कितना जाएगा, दैट इज़ 9 लाख। ठीक है, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। देन देखते हैं और क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखिए परचेज प्राइस कितना 350, स्क्रैप वैल्यू दैट इज आफ्टर 5 ईयर कितनी 190, तो देखिए कितने 350,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है दैट इज 190,000 फॉर 5 ईयर्स, तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा। ये किसके लिए निकाला मैंने, ये निकाला मैंने न्यू स्मॉल कार गए, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 32,000। देन डेप्रिसिएशन फॉर ओल्ड बिगर कार का भी कर लेते हैं, ये आपका है 2 लाख माइनस 120 डिवाइड बाय 5,
So that would be 16,000. Then repair costing at 10,000 and 12,000. Then taxes and insurance 17,000, 7,000. Then पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर 100 किलोमीटर है, पेट्रोल प्राइस पर लीटर कितना है 35. सो देखिए हमें 30 हमें इधर रखा है 100 किलोमीटर का, पेट्रोल प्राइस रखा 100 किलोमीटर का, तो 35 है, 30 35 है, 35 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा फिर. सो पेट्रोल चार्जेस देखिए कितना है, 35 रुपीज़ है पर 100 किलोमीटर. कितना ट्रेवल कर रही है, 1 लाख. सो दैट मीन्स ये आप करेगा 35,000 फॉर न्यू स्मॉल कार. ऐसे ही हम ओल्ड बिगर कार निकालने का नहीं, 35 डिवाइड बाय 17. मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख ये रहेगा पर 50,000. बस अब सबको टोटल कर लेंगे. तो देखिए टोटल करते हैं, अब इसका टोटल कितना आ रहा है, देखिए 28 प्लस 35 85,000. इसका आएगा 42, दैट इज 94,000 एंड इसका आएगा 9 लाख. नाइन लाख कैसे आ रहा है, और स्टूडेंट्स एक्चुअली दिस वुड बी रुपीज़ 0.9 हो गए, 0.9 पर किलोमीटर हो गए, सो ये जगह 0.9. सो ये आपकी जो वैल्यू है दैट इज 90,000. सो इसमें टोटल आपका आ जाएगा 90,000. तो देखिए अब हम देखेंगे तो एज पर 1 लाख किलोमीटर जो आपको चीपेस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है ये, तो इसी को ऑप्ट करेंगे. ठीक है, अब देखिए आगे बोला था कि अगर वो अपना पट्टी सस्पेंड करे 2 1 लाख 90,000 तो क्या डिफरेंस जाएंगे. देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें अगर हम कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल, देखिए डेप्रिसिएशन देखिए उतना ही लगेगा, रिपेयर भी देखिए आई थिंक उतना ही लगेगा पर एनम की बने, ये भी बनेगा, बस पेट्रोल में ही चेंजेस आएंगे. तो देखिए इस पे आप यहाँ पर लिखिए एट और लिखिए 4 1 लाख 90,000 किलोमीटर्स. उसके लिए देखिए कैसे निकालेंगे, वही सेम पर्टिकुलर्स
हायर चार्जेस फॉर टैक्सी, न्यू स्मॉल कार एंड ओल्ड बिगर कार. तो यहाँ देखिए टोटल जो हायर चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, वो अब होंगे 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 विच कम्स टू अमाउंट इन रुपीज 1,71,000. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगेगा 32,000 एंड 16,000. देन रिपेयर उतना लगेगा 10,000 एंड 12,000. देन टैक्स एंड इंश्योरेंस 17,000 7,000, ये भी उतना ही रहेगा. देन पेट्रोल चार्जेस में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर जो पेट्रोल होगा न्यू स्मॉल कार कितना होगा, देखिए 35/100 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1,90,000 से. ऐसे इसको करेंगे देखिए 35/17 मल्टीप्लाइड बाय 1,90,000. ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 66,500 एंड इसकी आएगी 95,000. बस आप टोटल करेंगे तो देखिए हायर चार्जेस का तो कितना हुआ 1,71,000 टोटल हो गया, इसका पड़ेगा 1,25,500 एंड इसका आएगा आपका 1,30,000. सो अब देखिए, अब आपका अगर किलोमीटर बढ़ गया था ना, तो इस केस में चीपेस्ट जो है वो ये आया. ठीक है, अब थर्ड वन आपसे क्या पूछा था, वर्ड शुड बी एट हाउ मैनी किलोमीटर्स पर एनम विल बी द कॉस्ट ऑफ टू कार्स ब्रेक इवन. ब्रेक इवन कब होगा, देखिए आप खुद देखिए, देखिए जो आपकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपकी देखिए दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें डिवाइड है. अगर आप फिक्स कॉस्ट देखो, देखो जो होना है होना है खर्चा, अगर जो खर्चा होना है होना है, अगर उसको टोटल भी करें तो कितना होगा, देखिए 32,000 प्लस 10,000 प्लस 17,000, दैट क्या होगा आपका, ये 59,000 फॉर न्यू स्मॉल कार. ये तो होगा ही होगा खर्चा. ठीक है, प्लस वेरिएबल कुछ कैसे होगा, इसमें देखिए 35/100 इंटू में एक्स. ठीक है, और दोनों को इक्वल रखना है, तो इसमें देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितने कितने हो गए, 16 + 12 + 17 दैट इज 35,000 प्लस 35/70 इंटू में एक्स. ठीक है, तो जब इक्वल करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1,60,000 किलोमीटर. ये आपकी आएगी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन किलोमीटर लग जाते हैं.
So this would be the finance. चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. अ फैक्ट्री विच यूजेस अ लार्ज नंबर ऑफ कोल इज सिचुएटेड बिटवीन द टू डिपोट एक्स एंड वाई, द फॉर्मर बींग 5 किलोमीटर एंड द लेटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम फैक्ट्री ए. फ्रॉम फैक्ट्री ए, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11. इसमें बोल रहे जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है. अब उसमें जो है ये बोला गया है कि दो पॉइंट बोले हैं, देखो एक तो दो डिपो हैं एक्स एंड वाई, ठीक है. जो एक्स है वो तो 5 किलोमीटर अवे है और जो वाई है वो 10 किलोमीटर अवे है, डबल है. इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अ फ्लीट ऑफ लॉरीज ऑफ 5 टन्स कैरिंग इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द पिट हेड्स. द लॉरीज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक्स 10 मिनट्स इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस टू अनलोड. लॉरी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्मली वो जो है वो 10 मिनट्स लेता है अनलोड करने में. देन एट कोलेरी एक्स लोडिंग एवरेज टाइम 30 मिनट्स पर लोड एंड एट कोलेरी वाई 20 मिनट्स पर लोड. अच्छा, लोडिंग टाइम अलग अलग है, एक्स पे कितना है 30 मिनट्स एंड वाई पे कितना है 20 मिनट्स. ड्राइवर्स वेज लाइसेंस इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन गैरेज एंड सिमिलर चार्जेस आर नोटिस्ड टू कॉस्ट ₹6 पर आवर ऑपरेटेड. ऑपरेटिंग आवर्स के बेसिस में यहाँ पर कितने हैं ₹6 के अकॉर्डिंग. देन फ्यूल ऑयल टायर सपेयर सिमिलर चार्जेस आर टू बी नोटिस एट 60 पैसा पर किलोमीटर रन. वो 60 पैसे के अकॉर्डिंग होगा. ड्रो अप अ स्टेटमेंट शोइंग दैट इट कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग कोल फ्रॉम ईच कोलियरी इफ द कोल इज इक्वली क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ एट पिट हेड फ्रॉम ईच कोलियरी शुड बी परचेस्ड बी मेड. देखिए पहले तो बोला हुआ है कि आपको एक स्टेटमेंट बनानी है कॉस्ट पर रन किलोमीटर के हिसाब से और ईच का लेगा. फिर उससे पूछा है अगर कि कोल की क्वालिटी अगर दोनों इक्वल हो, ठीक है, तो उसके बेस यानी कि दो बेस रखें. पहला पूछा है आपको निकालना है एज पर कोस्ट पर किलोमीटर और दूसरा पूछा है एट क्वालिटी टाइम के हिसाब से बेटर, ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन करते हैं. पहले तो हमें देखना पड़ेगा इसमें वेजेस एंड लाइसेंस जो खर्चा है वो कितना देगा. 6 पर आवर, 6 पर आवर की बेसिस बोल रहे हैं. पहले हमें इन सबका जो है ऑपरेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा, एक्स का अलग वाई का अलग. तो पहले हम स्टार्ट यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट से करेंगे. देखिए यहाँ पर आपको जो टाइम दे रखा है वो 3 टाइप के दे रखे. एक तो है आपका रनिंग टाइम. रनिंग टाइम देखिए कितना है 20 किलोमीटर पर आवर. देखिए अगर आप रनिंग टाइम निकालोगे ठीक है और अगर एक्स का निकालोगे देखो स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. इतनी स्पीड है दोनों की एक्स पे भी वाई पे भी, बट फैक्ट्री से फैक्ट्री प्रमाइस से एक्स तक एक्स पॉइंट तक उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको 5 किलोमीटर पर उसमें. देखिए बहुत इजी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना. सो विच मीन्स 20 डिवाइड बाय 5 सॉरी कुछ टाइम निकाले तो मिनट्स में निकलेगा आप, मिनट्स में आएगा तो दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा
डिस्टेंस गिवन है आपको एंड आपको स्पीड गिवन है, ठीक है। देखिए जब आप स्पीड निकालते हो, ठीक है, तो क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आपको डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस में क्या निकालना, क्या रहेगा आपका डिस्टेंस जब आपको निकालना है, तो दैट मीन्स आपका रहेगा ये स्पीड अपॉन में टाइम। यही आ रहेगा आपका। देखिए हमें रनिंग टाइम निकालना है कि एक लॉरी को जो है एक्स पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है एंड वाई पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। एवरेज स्पीड जो लॉरी की है, चाहे वो एक्स पे जाए तो वाई पे जाए, वो सेम है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर हम एक्स पॉइंट की निकालेंगे जब हम, तो उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5 किलोमीटर। सो अगर नॉर्मल देखिए, अगर हम जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए आपका स्पीड का फॉर्मूला कहते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो सिमिलरली जब आपको जब टाइम निकालोगे तो क्या फॉर्मूला है आपका, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन आपको 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना गिवन है, सॉरी डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करो एक आवर में कितना होता है 30-60 मिनट्स। सो ये आपका आ जाएगा दैट इज 15 मिनट्स, दैट मीन्स 15 मिनट में वो लोरी जो है एक्स पॉइंट पहुँच जाएगा। सिमिलरली वाई पॉइंट का देखेंगे, स्पीड तो वही है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, अब इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 बाय सॉरी डिस्टेंस यहाँ पर डबल हो गया, डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 10 बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो ये आपका आ जाएगा दैट इज 30 मिनट्स, दैट इज हाफ एन आवर। सो यहाँ पर रनिंग टाइम कितना हो गया फॉर एक्स, कितना हो गया दैट इज 15 मिनट्स। एंड वाई का हो जाएगा दैट इज 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम भी गिवन है। लोडिंग का टाइम देखिए क्या लिखा यहाँ पर, एट कोलरी एक्स लोडिंग टाइम इज एवरेज कितना है 30 मिनट्स पर लोड एंड एट वाई पे कितना है 20 मिनट्स पर लोड। तो लोडिंग टाइम लिखते हैं, इसमें है 30 मिनट्स एंड इसमें है 20 मिनट्स। बाकी आपको अनलोडिंग टाइम गिवन है, कितना गिवन है देखिए ऊपर लिखा हुआ है दैट द लॉरीज एवरेज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक्स 10 मिनट्स एंड द फैक्ट्री मिनिमाइज टू अनलोड, यानी कि चाहे एक्स पॉइंट पे हो चाहे वाई पॉइंट पे हो, दोनों में ही जो है अनलोडिंग टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स। अब निकाल लेते हैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम। टोटल कर देते हैं, इसका तो आ जाएगा आपका 60 मिनट्स एंड इसका आपका आ गया 55 मिनट्स। अब इसी की बेस पे हमारी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनेगी।
देखिए खर्चे क्या क्या हो रहे हैं। ड्राइवर वेजेस, लाइसेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, गैरेज, जो खर्चे हो रहे हैं 6 पर आर के बेसिस पे हो रहे हैं। सो देखिए खर्चे क्या क्या हो रहे हैं, दैट इज वेजेस, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये आपके हो रहे हैं 6 पर आर के बेसिस पे। कितने हो रहे हैं, 6 रुपये पर आर के, यानी तो 6 रुपये पर आवर, दैट मीन्स पर 60 मिनट्स। बट एक्स में देखिए ऑपरेटिंग टाइम कितना, दैट इज 55 मिनट्स, तो हम 55 के बेसिस पे निकालेंगे एक्स का। सिमिलर वाई का कितने आ रहे हैं, 6 पर आवर के बेसिस पे, बट हमें आ रहे हैं 60 के बेसिस पे, यहाँ पर तो देखिए 6 ही आएगा। एंड यहाँ पर आपका 5.5 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम और भी कोस्ट थी, क्या क्या थी, फ्यूल, ऑयल, टायर रिपेयर कितना था, उसका कोस्ट का था 60 पैसा पर किलोमीटर। तो फ्यूल, ऑयल, टायर एलोकेशन, रिपेयर्स, उनकी कॉस्ट थी 60 पैसा पर रनिंग किलोमीटर। रनिंग किलोमीटर कितना है, 5 किलोमीटर है। अच्छा सॉरी, मैंने तो वन वे ले लिया, ये टू वे जाना था, सॉरी सॉरी, ये तो रनिंग टाइम भी फिर चेंज हो जाएगा, रनिंग टाइम भी डबल हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 5 किलोमीटर है, ये 30 मिनट्स, सॉरी ये फिर 30 मिनट्स हो जाएगा, ऐसे मैंने वन वे ले लिया, ये हो जाएगा 30 मिनट्स एंड ये हो जाएगा 60 मिनट्स। तो फिर आपका ऑपरेटिंग में भी चेंजेस आएंगे, ऑपरेटिंग का जो टोटल हो जाएगा दैट वुड बी 70, यहाँ पर 90 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी चेंज आएगा क्या होगा, तो ये जो आपका आएगा दैट इज 70, ये 19, सो यहाँ पर आपका रहेगा ये 7 एंड यहाँ पर आपका रहेगा 9। सो ऑयल रिपेयर भी यहाँ पर देखिए आपका डिस्टेंस देखे वो 10 और 20 लेके चलोगे, सो दैट मीन्स 10 इंटू में 60 पैसा था एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 60 पैसा, सो दैट वुड बी 6 एंड 12। और तो कोई खर्चा दे नहीं रखा, तो बस यही आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा। टोटल आपका आ जाएगा इसका 13 एंड 21, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर तो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया हमसे, पूछा ड्रो अप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग कोल फ्रॉम ईच कॉलरी, यानी कि किलोमीटर टन के हिसाब से लेने का है, किलोमीटर टन के हिसाब से। देखिए किलोमीटर कितना है, 5, ठीक है, टन कितना है, देखिए लॉरीज कितना, देखिए 5, सो दैट मीन्स कितना जाएगा, 5 इंटू 5 फॉर एक्स एंड 5 इंटू 10 फॉर वाई। यहाँ पर देखिए उसको इस तरह निकाल सकते हैं, अगर अगर निकालने जैसे लिखा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, यहाँ देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स की कितनी है 13, वाई की कितनी है 21, टन किलोमीटर अगर हम देखें तो इसका तो देखिए 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगा,
एंड 5 × 10 दैट इज 50 हो जाएगा। तो बस यहाँ से निकालेंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे, सो दैट वुड बी 5.52 एंड 0.42। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसमें। अच्छा सॉरी, आगे पूछा इसमें लिखा है इफ द कोल इज ऑफ इक्वल क्वालिटी एंड द प्राइस एट पिट हेड फ्रॉम विच कलरी शुड बी द परचेज मेड। यानी कि बोल रहे हैं कि अगर आप पहले हमसे पूछा था कॉस्ट पर टन के हिसाब से, बट बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों की क्वालिटी को सेम लें यानी कि प्राइस भी सेम है तो उस केस में यानी क्या होगा, यानी कि टन के हिसाब से पूछा है हमसे, टन रुपये एक टन के हिसाब से, ठीक है। तो इस केस में क्या देखें, देखिए यहाँ पर कैसे निकालें, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज 13 एंड 21। बट जो बेस लेके चलना है आपको इस बार वो लेके चलना है सिर्फ और सिर्फ टन के हिसाब से, टन की क्वालिटी कितनी कितनी है, 5 टन है, दोनों में ये सेम है, इक्वल ये लेके चलना है हमें। बस अब निकालना है हमें कॉस्ट पर टन तो ये आपका रहेगा दैट इज 2.6 एंड दैट वुड बी 4.2। तो चीपेस्ट कौन सा पड़ रहा है आपका, दैट इज ये पड़ रहा है आपका एंड इस केस में आपका ये हो रहा था, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, अ ट्रांसपोर्टर ऑन्स अ बस विच रन्स बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ फॉर 10 डेज इन अ मंथ। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 240 किलोमीटर। द बस कंप्लीटेड द ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक ऑन द सेम डे। क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर ने एक बस जो रन कर रहा है दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ 10 दिन के लिए कर रहा है एक महीने में, और डिस्टेंस बिटवीन है दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना है 240, तो 2 भी कितना हो गया दैट इज 480। बस को जो ट्रिप है वो कंप्लीट रहा है दिल्ली वो 1 वीक, यानी कि ट्रिप जो हो रहा है यानी कि आना जाना एक दिन हो रहा है, सेम डे पर हो रहा है। द बस गोज अनदर 10 डेज इन अ मंथ टूवर्ड्स आगरा, अब आगरा जा रहे हैं। इसका 2 किलोमीटर कितना हो गया 192, टोटल मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा 2 वेज 384। इन दिस केस ऑल्सो द ट्रिप इज कम्प्लीट ऑन द सेम डे पे आना जाना हो रहा है। देन फॉर द रिमेनिंग 4 डेज ऑफ इट्स ऑपरेशन इन अ मंथ इट रन्स इन द लोकल सिटी वेयर इट कवर्स अ डेली डिस्टेंस ऑफ 32 डेज। कोई ट्रिप नहीं है, बस बोलते हैं कि वो डेली जो डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन द लोकल सिटी दैट इज 32 डेज कर रहे हो, ठीक है। सॉरी 32 किलोमीटर होगा, सॉरी इट्स 32 किलोमीटर नॉट डेज, सॉरी। देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फेयर विच शुड बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर इन द नियरेस्ट हाफ अ रुपी वेन इट इज रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1/3 ऑफ नेट टेकिंग्स। फेयर टू बी चार्ज इन द लोकल सिटी विल बी इन स्टेज अप टू 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर। अच्छा, यानी कि स्टेज डिस्टेंस है, जैसे देखा आप नॉर्मली जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हो बस का तो उसका फेयर प्राइस एक डिस्टेंस के हिसाब से होता है कि भी लाइक 5 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ फॉर अनदर 10, देन जितना भी बाद में होगा मीन्स अबाउट 10 किलोमीटर तो कितना होगा 20 रुपीज़। तो ये बेसिक आप बोल रहे हैं कि आपका जो है चार्ज कितने कितना होगा किलोमीटर के हिसाब से। देन कॉस्ट ऑफ द बस कितना है 20% ऑफ द डेप्रिसिएशन बेसिस पे। सैलरी ऑफ द ड्राइवर इंक्लूडिंग ओवर टाइम 8,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग ओवर टाइम 3,500 पर मंथ। सैलरी ऑफ द पार्ट टाइम अकाउंटेंट 1,560 पर मंथ। डीजल कंजप्शन 4 किलोमीटर पर लीटर 8.75 लीटर। टोकन टैक्स 7,500 पर एनम। ऊपर देखिए डेटा आपको पर एनम पर मंथ गिवन था, नीचे आपको पर एनम की सब गिवन है। इंश्योरेंस 22,000 पर एनम। रिपेयर मेंटेनेंस 7,000 पर मंथ। परमिट फी 7,000 पर मंथ। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बस 50%। द बस इज जनरली ऑक्यूपाइड 80% ऑफ द कैपेसिटी व्हेन इट गोज टू चंडीगढ़ एंड 70% व्हेन इट गो टू आगरा। इट इज ऑलवेज फुल व्हेन इट रन्स विद इन द सिटी। पैसेंजर टैक्स भी गिवन है आपको, पैसेंजर टैक्स इज 40% ऑफ नेट टेकिंग्स। तो पहले तो देखिए हम क्या करते हैं, हम रनिंग किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर निकाल लें ताकि जो बेस आएगा
तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, पहले हम निकाल लेते हैं रनिंग किलोमीटर। देखिए बस जा रही है दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है, फिर दिल्ली टू आगरा भी जा रहा है, एंड देन दिल्ली टू लोकल सिटी यानी कि दिल्ली टू दिल्ली, ऐसे ही ट्रैवल हो रहे हैं। सबको ऐड कर देंगे, कैसे निकलेगा देखिए। 10 डेज के लिए जा रहा है, 10 डेज के लिए यहाँ पर, 10 डेज के लिए यहाँ पर, 4 डेज के लिए यहाँ पर, इसमें कितना डिस्टेंस है, 240 था, 480 कर देंगे, एंड इसमें कहता था 192, सो 384 कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें कहता है कितने दिन के लिए जा रहा है वो, चार ट्रिप, कितने किलोमीटर था वो, 32 के हिसाब से, बस यह पड़ेगा 4800, 3840, 128, दैट इज इक्वल टू 8768, ये हो गया रनिंग किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेते हैं साथ साथ। भाई पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर के हिसाब से करेंगे। सो आपको देखिए क्या गिवन था पैसेंजर के लिए, लास्ट स्टेटमेंट लिखी हुई थी पैसेंजर के लिए, लिखा है कि जब बस जो है चंडीगढ़ के जा रहे तो 80% ऑफ द कैपेसिटी हो रही है नॉर्मल, आगरा के जाए तो 70% एंड लोकल सिटी में फुल। सो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, अब 4800 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल कैपेसिटी कितनी, 50 की 50 है, बट 80% का दैट मीन्स 40 हो जाएगा वो, प्लस यहाँ क्या जाएगा 3840 मल्टीप्लाई बाय 70% ऑफ 50 दैट इज 35, एंड देन यहाँ पर है 128 मल्टीप्लाई 50 करेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट फुल बता रहा है वो, तो टोटल करेंगे बस इसका, ये टोटल आएगा होगा 3,32,800, ये क्या है दैट इज पैसेंजर किलोमीटर। बस अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो देखते हैं हम, देखिए कौन कौन से खर्चे हुए। फर्स्ट देखिए आपको क्या हुआ, दैट इज डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 7,50,000, अच्छा हमें तो डेटा, वैसे हमें डेटा यहाँ पर मंथली निकालना है, तो जो एनुअली उसको मंथली में कन्वर्ट भी करना है हमें, तो कैसे करेंगे, 20% ऑफ 7,50,000 इसको डिवाइड कर देंगे 1/12, यहाँ पर वैल्यू आप करेंगे दैट इज 1,25,000, देन सैलरी ऑफ ड्राइवर ओवर टाइम 8,000 पर मंथ, देन सैलरी ऑफ द कंडक्टर 3,500, देन सैलरी
सैलरी होती है पार्ट टाइम अकाउंटेंट 1560। देन डीजल कंजम्पशन दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर लीटर, दैट इज 8.75। देखिए कैसे करना है इसको, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 8.75 कंजम हो रहा है पर 4 किलोमीटर, बट रनिंग किलोमीटर कितना निकाला अभी हमने 8768, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। मंथली तो इतना ही किलोमीटर रन कर रहे हैं, सो दैट वुड बी 180 आएगा। देन टोकन चार्जेस 7500। अच्छा, ये आपको मंथली गिवन है टोकन टैक्स। देन इंश्योरेंस अगेन एन एम एफ, यह जगह का 1875। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस 7000 पर मंथ। तो पर मंथ ही गिवन है। देन परमिट फी 7000, और कोई खर्चा नहीं है, तो यही खत्म हो जाएगा आपका परमिट फी 7000। नाउ जस्ट मेक अ टोटल, टोटल में क्या लिखोगे, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो आपका जो टोटल आ जाएगा दैट वुड बी 61,240। ये आपका टोटल आया है, बट अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, बिकॉज हमें निकालना है लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फेयर विच शुड बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर इन द नियरेस्ट हाफ रूपी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1/3 ऑफ नेट टेकिंग। प्रॉफिट ले रहे हैं, दैट इज 1/3 ऑफ नेट टेकिंग। सो देखिए, पहले तो आपको बताता हूँ नेट टेकिंग क्या, टोटल टेकिंग क्या है। देखिए, जो टोटल टेकिंग्स होती हैं वो क्या होता है, दैट इज नेट टेकिंग प्लस ऑल द टैक्सेस। अच्छा, यहाँ पर टैक्स भी कितना गिवन था, टैक्स था ना कहीं, हाँ पैसेंजर टैक्स गिवन है, दैट इज 40% ऑफ नेट टेकिंग। सो यहाँ पर आ जाएगा ये प्रोफेशनल टैक्स, पैसेंजर टैक्स। सो अभी नेट टैक्स हमें पता ही नहीं कितनी है, अदरवाइज हम ले लेते हैं। तो इसके लिए अब हम निकालना है नेट टेकिंग्स। तो नेट टेकिंग कैसे निकालेंगे, हम वही जो हम पहले फोन निकालते थे, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली, दैट इज 61,240। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के लिए क्या बोला हुआ है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, कितना 1/3 ऑफ नेट टेकिंग। तो देखिए, नेट टेकिंग हम एक्स से लेते हैं,
इक्वल टू दिस, सो 1/3 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी आएगी 91,816। ये क्या आएगा आपका नेट टेकिंग्स। सो नेट टेकिंग कितना आएगी 91,816 प्लस इसी का 40% लेंगे, 40% ऑफ 91,816, सो दैट वुड बी टोटल आपका आ जाएगा 1,28,604। बस आप निकलेंगे फेयर टू बी चार्ज, फ्रॉम द पैसेंजर वो कितना आएगा, दैट इज टोटल टेकिंग कितना है 1,28,604 इंक्लूडिंग टैक्स डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर कितना है 3,32,800, 3,32,800। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.386 पैसेंजर पर किलोमीटर, दैट्स इट। सो क्लास दिस वाज द फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।